तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ शिवघाट, जो कि बैकुंठपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से बैकुंठपुर का व्यू काफ़ी ही खूबसूरत दिखाई देता है और नाइट में तो और ही खूबसूरत दिखाई देता है यहाँ से व्यू। तो गाइस, अगर आप कभी बैकुंठपुर जाते हैं तो एक बार ज़रूर जाएं शिवघाट। यहाँ से बैकुंठपुर का व्यू काफ़ी ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो गाइस, वीडियो भी बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घाट को चढ़ते हैं और चलते हैं ऊपर की तरफ, जो कि वाटरफॉल की ओर जाता है यह रास्ता। और इस रास्ता को पहाड़ को काट करके बनाया गया है और देख सकते हैं खूबसूरती यहाँ का, जो कि पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। क्या खूबसूरत व्यू है भाई साहब। और ये रहा खतरनाक रास्ता है भाई, यहाँ आते तो ध्यान देखिए, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा है, क्योंकि यहाँ पहाड़ से गिर सकता है, इसलिए धीरे ही चलें तो अच्छा है। देख सकते हैं हम अभी पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं, तो कुछ ऐसा है नज़ारा, आप देख सकते हैं भाई साहब। तो धीमी गति से चलें और सुरक्षित रहें। बोर्ड पर लगा हुआ है बोर्ड, उसमें लिखा हुआ था। और ये रहा कुछ ऐसा है नज़ारा। तो भाई साहब, बांध का नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है बांध। और देख सकते हैं अब हम लोग पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं और चलते हैं और आगे की ओर। और ये रहा पहाड़, क्या खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं भाई साहब। जीवन समय का अमूल्य है। तो देख सकते हैं यहाँ जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कुछ। और मैं अभी प्लेटिना राइड कर रहा हूँ, प्लेटिना कंफर्ट, जो कि पहाड़ियों की शान है। प्लेटिना पहाड़ हो या पर्वत, हर जगह दौड़ती है प्लेटिना 100cc बाइक। आप यहाँ भी देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ, वाहन चलाते समय फ़ोन से बात ना करें तो ही अच्छा है। मैं तो फ़ोन से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैमरा से ज़रूर बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पकड़ा नहीं हूँ कैमरा को, मेरा हेलमेट में सेट है, तो समझ सकते हैं। तो गाइस, अभी मैं कोरिया ज़िले के टूर पे निकला हुआ हूँ, जो कि आज मेरा दूसरा दिन है। मैं अभी बैकुंठपुर को पूरा कवर कर चुका हूं और आगे निकल चुका हूं यहां से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यहां से लगभग मेरे को 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं शिवघाट का रास्ता कुछ ऐसा है। और गाइस, आप वीडियो पर बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राइड का आनंद लीजिए। तो चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ। ये रहा गेट। और तो गाइस, अभी मैं पहुँच चुका हूँ शिवघाट, यहाँ को बोला जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक पिकनिक स्पॉट है। अगर आप यहाँ आते हैं सोनहत जाते समय तो यहाँ एक बार रुक के यहाँ का एरिया देख सकते हैं। यहाँ से ये बैकुंठपुर का व्यू देख सकते हैं पूरा, आपको डैम भी दिखाई देगा, तीनों डैम, दो डैम है, एक छोटा सा भी डैम है जो दिखाई देता है। तो गाइस, कुछ ऐसा था नज़ारा, चलिए आपको दिखाता हूँ आगे का नज़ारा क्या है, कैसा है।
गाइस आपको मैं दिखाने वाला हूँ ऊपर का बैकुंठपुर का कुछ व्यू, आप देख सकते हैं वीडियो में, वीडियो में बने रहिएगा। चलता हूँ ऊपर की ओर, कुछ गैलरी बना हुआ है, मैं ऊपर आ चुका हूँ, तीन चार ठो कुछ गैलरी बना हुआ है, फिर ऊपर में एक और गैलरी है, वहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता है। तो आपको जंगल का कुछ खूबसूरती दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं इधर कुछ ऐसा है नज़ारा, पूरा जंगल ही जंगल यहाँ स्पेशल बनाया गया है इस जगह को, बैकुंठपुर एरिया का व्यू देखने के लिए। यहाँ एक नदी है, नहीं नदी नहीं है, एक यहाँ डैम है और वहाँ भी डैम है, तीन डैम यहाँ से नज़र आता है और बैकुंठपुर भी नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, पहाड़ को चढ़ के आना पड़ता है यहाँ, और यहाँ का नज़ारा भी देख सकते हैं कुछ ऐसा है। और इधर पूरा जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, पहाड़ के ऊपर अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर रुके हुए हैं, और यहाँ एक बना हुआ था पिकनिक स्पॉट, तो वहाँ रुक के यहाँ का नज़ारा देख रहे थे हम लोग। कुछ ऐसा है नज़ारा, जंग पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और जंगल है, आप देख सकते हैं कुछ बहुत ही प्यारी सी जगह, पूरा बैकुंठपुर एरिया दिखाई देता है यहाँ से, जो कि जैसे कि हमारे अंबिकापुर में जो आप बोल सकते हैं एक पॉइंट है, लवर पॉइंट बोला जाता था पहले, वहाँ से पूरा एरिया दिखाई देता था, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब अंबिकापुर का जैसे ही यहाँ, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से भी बैकुंठपुर का एरिया दिखाई देता है, यहाँ से तीन डैम दिखाई देता है। तो गाइस यहाँ से गैस डैम और झुमका डैम का भी नज़ारा दिखाई देता है, और यहाँ एक छोटा सा डैम है बीच में, और चारों साइड पूरा जंगल ही जंगल है, बहुत ही प्यारी सी जगह। तो गाइस अगर आप आते हैं यहाँ सुन्नत तो रास्ते में पड़ता है, तो आप एक बार रुक के यहाँ का व्यू देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो हो चुका है कंप्लीट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद गाइस।